समलिंगी विवाह को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे चली शुणी पांच जनिया खंडपीठ से शुणा चलते प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी देखते कोर्ट समस्त को जीवनसाथी चयन करार अधिकार रही जीवनसाथी चयन अधिकार जीवन प्रमुख अंश समलिंगी विवाह मौलिक अधिकार नुहे अदालत आईन तैयारी किंतु आईन रो व्याख्या करें आईन परिवर्तन प्रसंग संसद उपर छाड़ी सुप्रीम कोर्ट सरकार यह मामलें कमिटी गठन करतु बोली प्रधान विचारपति कहते गत मे 11 तारीख में सांविधानिक पीठ यह मामलें शुणानी कर राय को संरक्षित रखि समलिंगी विवाह को आईनगत मान्यता दि जाप्रीम कोर्ट निज राय स्पष्ट करे प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित पांच जुनिया विचारपति सांविधानिक पीठ यह जटिल मामलें 10 दिन जाए शुणी करते अगस्ट 8 रे प्रधान विचारपति एने संकेत देते मामलें राय लेखा प्रक्रिया चली तेब प्रसंग में किसी प्रतिक्रिया रही आसतु नजर पकेबा I mean, we are expecting a positive judgment, which means that we expect that the court will recognize and affirm our marriage rights and affirm our right to have our chosen families recognized under law. The idea is that in the sphere, this will impact queer people's access to spheres of inheritance, adoption, surrogacy, all of these issues, and the rights that are given to straight couples under marriage. But if the laws come in and if they can also get married, it will first and foremost, at least somewhere down the line, probably give the relief to the families that at least they are married. Because even when we look at the straight couples, अभी किसी को इस कगार पे नहीं आना चाहिए कि हमारी सारी जिंदगी उम्मीदों पे कायम रहे. तो अभी हमारी उम्मीद ये है कि हम इक्वल राइट्स जीतेंगे. हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ शादी कर सकें. और ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं है. ये सोचिए, जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने पार्टनर्स के साथ रह नहीं पा रहे थे और अपने फैमिली के साथ नहीं थे, पार्टनर के साथ थे. और एक पार्टनर जब मर रहा था तो दूसरे पार्टनर को इवन लाइफ सपोर्ट से निकालने के लिए वो जो अनुमति देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे. तो दिस इज़ नॉट अबाउट हम आप क्या हैं कौन की शादी करने के लिए, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं. मगर हम ये चाहते हैं ताकि हमें संविधानिक हक मिले और ये जो हक है वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल्स को ना मिले. ये लीगल मिलना चाहिए क्योंकि हर सेक्टर में आप देखो हमको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है, गार्डियन की ज़रूरत पड़ता है. तो हम पढ़ाई लिखाई में स्कूल कॉलेज में देखो या जॉब सेक्टर में देखो, हर जगह में ज़रूरत पड़ता है. सोचा कि अभी हमें पार्टनर्स है, दोनों साथ में रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. जो फ्यूचर हम रहेंगे, हर दिन तो ये जवान नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे बुढ़ावस्था आएगा. तो उस टाइम में जब हम किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन बनेगा? मेडिकल आप किसी सीरियस पेशेंट को लेकर जाएंगे, वो पूछेगा आपका गार्डियन कौन है? तो उस टाइम तो मम्मी डैडी नहीं रहेंगे, तो साथ में जो रहेगा मेरा पार्टनर रहेगा, नहीं तो मैं रहूँगी. तो किसी का तबीयत खराब हो तो मैं अथॉराइज दे सकती हूँ, मेरा कुछ होगा तो उसका अथॉराइज होगा. हम दोनों शादी करेंगे, लीगल हमको मिल जाएगा, तो हमको एक प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम खरीद कर सकते हैं, एक अकाउंट भी बैंक में भी दोनों मिलकर खोल सकते हैं. तो इसमें हमारा दोनों का पूरा अच्छा रिश्ता बनेगा. मेरा जिम्मेदारी वो रखेगा, इसका जिम्मेदारी मैं रखूँगी. तो इसलिए ये ज़रूरी है. हम लोग मैरिड हैं ही, अब लीगली मैरिड भी होना चाहते हैं डेफिनेटली. सो आई थिंक फेवर में होगा, वी हैव फिंगर क्रॉस है. तो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ के लिए ही हम लोग फाइट कर रहे हैं. आई थिंक एवरी सिटीजन इंडिया के सबको इक्वल राइट्स होनी चाहिए. इट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. अभी ये सिर्फ मैरिज एक्ट को के बारे में नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो सब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे अगर मैरिज एक्ट अगर लीगल हो जाएगा तो. वेल, इस वर्डिक्ट को लेकर के मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि ये वर्डिक्ट हम लोग के फेवर में पास हो, ताकि कोई भी होमोसेक्सुअल कपल भी अपना लाइफ एक नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल कपल की तरह जिए सोसाइटी में, सिर ऊँचा करके. जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना.